प्रिय मित्रों, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराओ। आप लोग इसी प्यास सने से अगर मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो खुद कुंडली देखने के ज्ञान प्राप्त होंगे। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिर भी मैं आखिर में आपको बोल देता हूँ कि मेरा फोन नंबर क्या है। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने बुध के ग्रह के ऊपर बहुत सा प्रोग्राम बनाया, आगे भी बनता रहेगा। आज जो बतलाने जा रहा हूँ कि बुध ग्रह का प्रत्येक राशियों से क्या संबंध है, कुंडली में किस राशि में बुध क्या बैठा है, उसका एक अपना महत्व है, भाव अपना महत्व है। ये एक अलग विषय है। आप आज देखिए बुध ग्रह का कुंडली के प्रत्येक राशियों से क्या संबंध है। जिसके कुंडली मेष राशि का बुध बैठा हो, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे लोग कार्य कुशल होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। ऋषभ राशि में किसी के कुंडली में बुध बैठा हुआ है तो मेहनत से धन कमवाता है, चरित्रवान बनाता हुआ है, सोशल बनाता है, सामाजिक सेवा की तरफ ध्यान देता है। मिथुन राशि में अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं और माता पिता से इनको अच्छा प्यार सने आर्थिक लाभ मिलता है। कर्क राशि में अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग जल्दीबाज होते हैं, जब बहुत जल्दी अपने कार्य को करने के प्रयास करते हैं, जिसके चलते ये कभी कभी मानसिक अभाव में पड़ जाते हैं। सिंह राशि में अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग कड़ी परिश्रम करते हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं, उदार होते हैं। कन्या राशि में अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग शत्रु को भी अपना बनाते हैं। तुला राशि में अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता की इच्छा से शादी ब्याह करते हैं, ऐसे लोग जिस पद पर भी कार्य करते हैं उसके प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं और कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाता। वृश्चिक राशि में जिसका बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग कभी कभी उदर रोग से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोग खिलाड़ी भी होते हैं, ऐसे लोग भाव गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, उदार होते हैं। धनु राशि में अगर बुध बैठा है, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनीतिक बनते हैं। मकर राशि में अगर आपका बुध बैठा हुआ है, इनके पास जो भी धन दौलत रहता है बहुत परिश्रम का ईमानदारी का रहता है और जीवन में अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। कुंभ राशि में जिसका बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा कमाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग धर्मशाला अस्पताल मंदिर का निर्माण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं।
मीन राशि का बुध ये अच्छा नहीं होता दोस्त। ऐसे लोग पारिवारिक तनाव में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, संतान से इनका स्वभाव मेल नहीं खाता है और हमेशा इनका जीवन अधूरा रह जाता, सफल नहीं हो पाते। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, इस पर संपर्क करिए। कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराने की इच्छुक हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मैं आपको कुछ शुल्क लूँगा, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। इतना कहते वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।